हेलो फैमिली, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो मैं और मेरी फैमिली जा रहे हैं आज मैयर और जबलपुर। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा घायल है और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, इसलिए फटाफट से चलते हैं। अभी पापा बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन है 7 बजे की और अभी बज गए 6:30। ऑटो में बैठ के फिर जाएंगे रेलवे स्टेशन। रात का समय है, रात का ट्रेन है, इसलिए मैंने अपने फेस पर कोई मेकअप वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ स्किन केयर किया है क्योंकि बस ट्रेन में जाना है, खाना खाना है और सो जाना है, इसलिए अब फटाफट से चलते हैं। पापा वहाँ पर खड़े हैं। हम लोग ट्रैवलिंग करने के लिए ई रिक्शा ही प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारे घर से जो रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए तो हम लोग 2 ई रिक्शा करते हैं तो हमारे लिए इनफ होता है। पहुंच गए हैं, बाकी सब भी पहुंच गए हैं। ट्रेन में तो पहुंच गए लेकिन अभी सीट्स ढूंढ रहे हैं, सीट कौन सी है क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ट्रेन में बैठते से ही हमारी मंचिंग चालू हो गई थी। मम्मी और बुआ और मेरी काकू ने ना थोड़ा बहुत नाश्ता लेकर आया था तो हम लोगों ने वही नाश्ता किया। लड्डू, चकली, चिवड़ा, सेव, शंकरपाड़े, यही सब खाए हम लोगों ने। सुबह ना कपड़े धुलने के लिए डाले थे लेकिन ना मेरा एक पजामा सूखा ही नहीं था तो मैंने उसको ट्रेन में सुखाने के लिए डाल दिया। और यहाँ पर हम सब खाना खा रहे हैं। अभी हम लोग टोटल 17 लोग थे इसलिए आपको एक ही तरफ इतना ज़्यादा भीड़ दिख रही है। सबका रिजर्वेशन था लेकिन खाना जो है वो मम्मी बुआ और काकू ही परोस रही थी इसलिए सब लोग यहीं पर खा रहे थे खाना। हम लोगों ने खाने में खाया रोटी, पराठे भी थे, रोटी भी थी, बैंगन का भरता था और मेथी थी और आलू का भी भरता था और थोड़ा सा फराड़ी चिवड़ा भी था क्योंकि मेरी काकू का ना फास्ट था इसलिए। सबकी सोने की तैयारी हो रही है, अभी सब लोग का खाना हो गया है और सब लोग अभी सोने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद में सोऊंगी। पूरा काजल फैल गया है, मुझे फ़ोन यूज़ करना है ट्रेन में, इतनी जल्दी मुझे नींद नहीं आती इसलिए पहले फ़ोन यूज़ करूँगी, देन उसके बाद में मैं सो जाऊँगी। चिराग तो खा ली, जो पता है इकड़े इकड़े कौन बस लिया, तू क्या करता है? मैं तो एडिट करूँ दिन। मम्मी नशे नको करू तू, बामचे मम्मी बामचे नशे करता है। सब लोग अभी सो गए हैं तो मैं भी फटाफट से सो जाती हूँ क्योंकि हम लोग सुबह सुबह कल जल्दी पहुँचने वाले हैं और अगर मेरी नींद नहीं होगी ना तो फिर सिर वगैरह दुखेगा, इसलिए मैं भी फटाफट से अभी सो जाती हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, मिलती हूँ आपसे कल सुबह। सुबह हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि हम लोग सुबह सुबह ही पहुँचने वाले थे मैयर। देन उसके बाद में मैंने अपना कंबल घड़ी किया, हम लोगों ने सब कुछ पैक किया जो भी सामान बाहर था उसको, और हम थोड़े देर के बाद मतलब 7 बजे आई थिंक हम लोग पहुंच गए थे मैयर में। मैयर में जो रेलवे स्टेशन से बाहर हम लोगों ने 2 ऑटो किए, ऑटो करके हम डायरेक्ट मंदिर के पास ही उतरे क्योंकि वहां पर ही हम लोगों ने स्टे किया था, सिर्फ सामान रखना था और हम लोग को फ्रेश होना था इसलिए हमने वहीं पर स्टे किया और फिर हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले थे तो हम लोगों ने ब्रश वगैरह किया और फिर चाय पिए। चाय पिला रही है जानवी, देख लो। हाँ मैं चाय पी रही थी इसलिए मेरा छोटा भाई चिराग जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। पीलो पीलो गाइस चाय। चाय पीलो गाइस। नहा धो के सब लोग रेडी हो गए हैं, मैंने ये कुर्ती पहनी है बट ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है मुझे, लेकिन मैं सिर्फ यही वाली कुर्ती लेकर आई हूँ मंदिर जाने के लिए तो मुझे यही पहनना पड़ेगा। और अभी फटाफट से रेडी होती हूँ, सबसे पहले मैं अपना स्किन केयर करूँगी, ज़्यादा करके मैं स्किन केयर ही करने वाली हूँ, ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी मैं। सब कुछ छोटी छोटी बॉटल्स में भर के लेकर आई हूँ
क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए ना थोड़ा इजी हो। हम बहुत सारे लोग हैं इसलिए ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बच्चे भी बहुत सारे हैं हमारे ग्रुप में। सो मैंने ऑफ कैमरा मेकअप कर लिया था और मैं यहाँ पर नाश्ता कर रही हूँ, फरारी चिवड़ा। अभी हम लोग यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। काका आगे निकल गए थे क्योंकि उनका डिसाइड था कि वो पैदल ही जाने वाले हैं। हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि हम किस से जाए, रोप वे से जाए या फिर पैदल जाए, इसलिए पहाड़ दिख रहा है वहाँ पे, ऊपर जाना है, ऊपर मंदिर है। अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि पैदल जाना है या फिर वो उड़न खटोले से जाना है। ये लोग जा रहे हैं पैदल और हम जा रहे हैं रोप वे से। ये रोप वे का रास्ता है, हम रोप वे से जाएंगे। खिचड़ी पापा वगैरह टिकट्स निकाल रहे थे रोपवे की, तब तक के मैंने, मम्मी ने, बुआ ने और मेरी सिस्टर ने, हम लोगों ने प्रसाद खा लिया। यहाँ पर महाप्रसाद बट रहा था खिचड़ी का, तो हम लोगों ने वो खा लिया। इसमें सिर्फ चार चार लोग ही बैठ सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था हमारी बारी आने के लिए। सो पहले वाले में मेरी सिस्टर चली गई थी, तो अभी दूसरे वाले में मम्मी, मैं, बुआ और पापा जा रहे थे। इसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं बचपन में बैठी थी और उसके बाद में मैं अभी बैठी हूँ रोपवे वाले इसमें, क्योंकि मैं ज़्यादा करके पैदल ही यात्रा करती हूँ। मुझे रोपवे से जाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे रास्ते का मज़ा लेना बहुत पसंद है। इसीलिए पिछले वाले ट्रिप में मेरी सिस्टर के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, इसलिए हम लोगों ने इस बार रोपवे वाला रास्ता यूज़ किया। दर्शन करने के लिए ये रास्ता है। हम इतने ज़्यादा ऊपर है यहाँ से, देखो ये मंदिर है। ये मंदिर के अंदर की फुटेजेस नहीं लिए क्योंकि लिटरली वो लोग बहुत ज्यादा पुश कर रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था अगर कोई गिर भी रहा है तो। अभी हम रोप वे के रास्ते से ही नीचे जाएंगे और उसे फटाफट से पहुंच भी जाएंगे। मंदिर के बाहर थोड़ी देर बैठे हुए थे और फिर हम लोग नीचे आ गए रोप वे के रास्ते से, तो यहाँ पे देखा कि खीर का प्रसाद बट रहा है और मुझे खीर बहुत ज्यादा पसंद है। तो हम लोगों ने खीर का प्रसाद खाया और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अगर आप मैयर जा रहे हो तो दोनों प्रसाद खाना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। प्रसाद खाने के बाद हम लोग रूम की तरफ जा रहे थे, तो हमें पता चला कि यहाँ पर ना एमपी के सीएम आ रहे हैं। सो हम लोग उनको देखने के लिए रुके हुए थे और यही था आज का व्लॉग। आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब।